लद्दाख में बनेगा मंगल एवं चंद्रमा समानांतर अनुसंधान स्टेशन, 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। देश के मंगल मिशन के लिए महत्वपूर्ण विकास में भारतीय विज्ञान संस्थान और बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लद्दाख में देश का पहला मंगल और चंद्रमा समानांतर अनुसंधान स्टेशन के लिए आदर्श स्थल माना है। समानांतर अनुसंधान स्टेशन एक ऐसा केंद्र है जहां चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए गतिविधियों का अनुकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष यात्री आवासों का निर्माण और परिशेषण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भूवैज्ञानिक समानता है जो बाहरी ग्रहों की स्थितियों में मेल खाती है। ये स्टेशन यह भी अध्ययन करने की अनुमति देगा कि सूक्ष्म जीव और अन्य जीव ऐसे चरम वातावरण में कैसे अनुसंधान। VSIP की विनीता फरियाल और IISc के आलोक कुमार के नेतृत्व में किया गया है। इसमें शुभाशु शुक्ला भारत के 4 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से एक शामिल हैं। इनमें 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर उतरने की योजना शामिल है। क्षेत्र का ठंडा खुश्क रेगिस्तानी चट्टानी भूभाग और प्रारंभिक मंगल और चंद्रमा के समान भूआकृतिक समानता इसे बाहरी ग्रहों की स्थितियों के अनुकरण के लिए उत्कृष्ट बनाती है। फरियाल के अनुसार लद्दाख उपकरणों के परीक्षण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आवश्यक वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इनका वातावरण मंगल और चंद्रमा के लिए भूरासायनिक भू अतिकृतिक और जीव वैज्ञानिक समानता प्रदान करता है। फरियाल, जिन्होंने 2000 से लगभग हर साल लद्दाख के अनुसंधान किया है, उन्होंने बताया कि वहाँ होना अक्सर एक अलग ग्रह पर होने जैसा लगता है। उन्होंने 2016 में नासा के स्पेस वार बाउंड इंडिया कार्यक्रम में भी भाग लिया, जिसने लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र को मंगल जैसे टोपोलॉजिकल विशेषताओं के रूप में उजागर किया। पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट किया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय